जंग की आहट के साथ ही शेयर बाजार भी सहम गए। अमेरिकी बाजार भी इससे अछूते नहीं रहे। नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ। वहीं S&P 500 में करीब 1% की गिरावट देखी गई। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहे। जंग का बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन वीरवार को जंग का असर देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल पर तो जंग का असर दिख गया है। 2 अक्टूबर को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 2.25% की बढ़त देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड का भाव $75 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। महंगा कच्चे तेल वैसे भी भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। महंगे कच्चे तेल से कंपनियों के मुनाफे पर भी निगेटिव असर देखने को मिलता है। अब सवाल इस बात का है, जब बाजार के लिए निगेटिव खबरें आ गई तो ऐसे में वीरवार को बाजार पर क्या असर देखने को मिल सकता है। DR चौकसे फिनजर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवन चौकसी का कहना है कि आने वाले समय में बाजार में 10% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तकनीकी स्तरों पर बाजार कमजोर है। इस समय बाजार ओवरबॉट की स्थिति में है। F&O के नियमों में सख्ती भी बाजार के लिए निगेटिव ही है। HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च हेड दीपक जसानी का कहना है कि बाजार पिछले कुछ दिनों से करेक्शन के मोड में है। शॉर्ट टर्म में 6% तक की गिरावट देखी जा सकती है। कच्चा तेल मौजूदा स्तरों से 10% चढ़ा तो बाजार के लिए स्थिति और गंभीर हो सकती है। कुल मिलाकर बाजार के लिए स्थिति ठीक नहीं है। आने वाला समय बाजार के लिए मुश्किल भरा रह सकता है। विदेशी निवेशकों का रुख चीन की ओर होना भी भारतीय बाजार के लिए खतरनाक है। फिलहाल बाजार में निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। किसी भी बड़े ट्रेड से बचना चाहिए जब तक मिडिल ईस्ट में स्थिति में सुधार नहीं आता। आप इसराइल फिलिस्तीन युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं और आपको रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।